हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम गर्ल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन टुडेज वीडियो आई विल शो यू टॉप यूजेस ऑफ आलमंड ऑयल ऑन योर स्किन। जैसा कि आपको पता है कि आलमंड ऑयल कितना बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए एंड बॉडी टू। क्या आपको पता है आलमंड को नट्स का राजा कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, इसलिए उसे पावर हाउस भी कहा जाता है। आलमंड से ही एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकाला जाता है, जिसे हम आलमंड ऑयल कहते हैं। आलमंड ऑयल टू टाइप के होते हैं, बिटर एंड स्वीट। जो स्वीट आलमंड ऑयल होते हैं वही हमारे स्किन, हेयर एंड बॉडी के लिए यूज किया जाता है। सो गाइस, बिफोर मूविंग टू द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू सी मोर सच वीडियोस। नाउ क्विकली मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहला जो यूज है आलमंड ऑयल का, कि आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप अपने फेस पे आलमंड ऑयल को अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है। ये आपके फेस पे नरिश पहुंचाएगा और आपका जो ड्राइनेस है वो भी खत्म हो जाएगा। सेकेंड जो यूज है आलमंड ऑयल का, टू रिमूव डार्क सर्कल। अगर आपको डार्क सर्कल हो गया है तो आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ आलमंड ऑयल लेना है और आपको फिंगर की मदद से आईज के अराउंड अप्लाई करना है ऑयल को, और 2 मिनट्स के लिए मसाज करना है फिंगर से, और आपको इसे रेगुलर अप्लाई करना पड़ेगा तो ही ये वर्क करेगा डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए। थर्ड जो यूज है आलमंड ऑयल का, टू मेक योर स्किन ग्लोइंग। तो आपको क्या करना है, आपको जरा सा क्वांटिटी में आलमंड ऑयल को लेना है और अपने फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। देन आपको इसे सर्कुलर मोशन में 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है अपने फेस पे। अगर आपका स्किन बहुत ही ज्यादा डल हो गया है, ड्राई हो गया है, आपके स्किन में कोई भी ग्लो नहीं बचा है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें, तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। फोर्थ जो यूज है आलमंड ऑयल का, टू रिमूव एक्नी एंड डार्क स्पॉट। अगर आपके फेस में, जैसे कि आपको यहाँ पे एक्नी या डार्क स्पॉट है, तो आपको 1 ड्रॉप ऑफ आलमंड ऑयल लेना है और अपने फिंगर की मदद से आपको अफेक्टेड एरियाज पे अप्लाई करना है। आपको रेगुलर अप्लाई करना है तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो यूज है आलमंड ऑयल का, फॉर योर हेयर। आप आलमंड ऑयल को हेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आप ऑयल यूज करते हैं अपने हेयर के लिए, आप उस ऑयल को ले और उसमें आपको 2 टेबलस्पून ऑफ आलमंड ऑयल मिक्स करके अप्लाई करना है, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। ये आपके हेयर को स्ट्रांग बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, और ये आपके बाल में शाइन भी देगा। प्लस ये आपके बालों से बहुत ही अच्छा स्मेल भी आएगा अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट जो यूज है आलमंड ऑयल का, टू रिमूव मेकअप। ये बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर की तरह वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी काजल अप्लाई किया है, तो मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको कॉटन लेना है और आलमंड ऑयल लेना है उसमें। देन आपको वाइप करके मेकअप को रिमूव करना है। इस तरह से आपको वाइप कर लेना है। यू कैन सी जो काजल है वो कितने इजिली रिमूव हो गया है। इसी तरह आप पूरे फेस का मेकअप रिमूव कर सकते हैं आलमंड ऑयल से। नेक्स्ट जो यूज है आलमंड ऑयल का, टू अप्लाई इट ऑन एक्स्ट्रा ड्राई स्पॉट एरियाज, जैसे कि एल्बो, नी, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है और फट भी जाता है। तो आपको जरा सा आलमंड ऑयल लेना है और जहाँ आपका बहुत ही ज्यादा ड्राई एरियाज है, जैसे कि एल्बो और नी, तो आपको उस एरिया पे अप्लाई करना है, तो आपका जो वो एरिया है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपका जो ड्राइनेस है वो भी रिमूव हो जाएगा। आप चाहे तो हील्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके अगर बहुत ज्यादा हील क्रैक्स है तो वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो यूज है आलमंड ऑयल का, टू रिमूव स्ट्रेच मार्क्स। अगर आपके कोई भी एरियाज पे स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि जल्दी रिमूव नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आलमंड ऑयल लेना है और अफेक्टेड एरियाज पे अप्लाई करना है। आपको जरा सा ही अप्लाई करना है और उस एरिया पे आपको
टू टू थ्री मिनट्स के लिए इस तरह से मसाज करना है। आपको इसे रेगुलर अप्लाई करना है तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप रेगुलर अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो यूज है एलमंड ऑयल का फॉर योर बॉडी, तो आपको क्या करना है, जो आप बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं आपको उसे लेना है और उसमें आपको 1 to 2 ड्रॉप ऑफ एलमंड ऑयल लेना है और आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। देन उसके बाद आप अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई करें तो ये आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट जो यूज है एलमंड ऑयल का टू रिड्यूस फाइन लाइंस एंड विंकल्स, तो आपको क्या करना है, आपको जरा सा क्वांटिटी में एलमंड ऑयल को लेना है और अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है और आपको इसे मसाज करना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है हाउ टू मसाज योर फेस, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर ले, तो आप उसमें देख ले सारा स्टेप और आप उसे फॉलो करें तो फेस आपका टाइट रहेगा, ओवरऑल आपका जो फेस है वो शेप में रहेगा और आपका फेस यंग लगेगा। So guys, I hope you like the video. If so, then let me know in the comment section and also don't forget to like, subscribe and share my videos and I will see you in my next video. Bye guys.